हे स्टीव, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। What to do, यार? I'm very confused. समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सब्जेक्ट लूं। 10th कंप्लीट हो गई है, बट अब मुझे बायोलॉजी लेना चाहिए कि PCM लेना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। You should follow your interests, Steve. Whichever subject जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो ले सकते हो तुम 11th में। The thing is, मेरे सारे subjects में अच्छे marks आते हैं। I'm good at every subject, इसलिए confusion ज्यादा हो रही है। मम्मी कहती हैं बायो लेके डॉक्टर बन जा, पापा कहते हैं इंजीनियर बन जा। रिश्तेदारों से पूछता हूँ तो वो बोलते हैं पायलट बन जा। हर कोई अलग आंसर दे रहा है। जब मैं तुम्हारी एज ग्रुप का था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज था, बट देन आई फॉलोड अ स्टोरी। स्टोरी? ऐसी कौन सी स्टोरी है, मुझे भी बताओ। वंस देयर वाज अ पेंटर, उसने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई ऑफ अ हॉर्स। So the next day, he takes the painting to his relatives. वो अपने चाचा के पास जाता है और पूछता है, ये पेंटिंग कैसी है? वो कहते हैं, बहुत अच्छी है, पर इस हॉर्स के कान थोड़े लंबे होने चाहिए। वो एक कॉपी लेके उसे नोट कर लेता है। आगे जाता है तो उसे मामा जी मिलते हैं। वो मामा जी से पूछता है, कैसी पेंटिंग है? तो वो बोलते, बहुत अच्छे हैं, बस इसकी जो पूंछ है वो थोड़ी बुशी है। वो नोट कर लेता है। आगे जाता है तो चाची जी भी मिल जाती हैं। उनको दिखाता है पेंटिंग। वो देख के बोलती है, सब कुछ अच्छा है, बस इसकी आंखें थोड़ी डी फॉर्म में हो जाएं और थोड़ी छोटी हो जाएं तो बहुत अच्छी लगेंगी। वो उसे भी नोट कर लेता है अपनी कॉपी में। After noting everything जो उसके relatives ने कहा था, all the points जो उसे changes करने थे horse में, वो रात में फिर से painting करने लगता है। वो देखता है कि जो हॉर्स है वो डोंकी बन चुका है। ये कुछ हमारे साथ होता है, जब हम दूसरों की ज्यादा सुनने लगते हैं तो हम अपना पर्पस भूल जाते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम बड़ों की ना सुने, वी हैव टू लिसन टू देम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट वी हैव टू नील डाउन एंड प्रे टू गॉड एंड आस्क हिम फॉर गाइडेंस। ये मैंने किया था। Instead of asking my parents कि मैं कौन सा सब्जेक्ट हूँ, मैंने प्रेयर की और परमेश्वर से पूछा, और उन्होंने मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे मन में आवाज दी, तुम्हें ये करना चाहिए। And today you see कि मैं CEO of a company हूँ, just because I followed the Lord's voice। तुम्हें भी आज यही करना चाहिए। दूसरों से पूछने की बजाय तुम्हें अपना इंटरेस्ट फॉलो करना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हें रात दिन परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और वो तुमसे बात करेंगे। You are right, brother. मैं तो बहुत ही confused और दुखी हो रहा था, बट तुम्हारी स्टोरी ने सच में मुझे भी एक डायरेक्शन दिया। थैंक यू।